हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और ये है मीवी प्ले और आज होगा इसका अनबॉक्सिंग। और ये जो प्रोडक्ट है पूरी तरह से हमारे इंडिया का प्रोडक्ट है, मेरा इंडिया। और इसका स्पीकर्स, इसका सर्किट, इसका डिजाइन सब कुछ इंडिया में बना है। तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा प्राउडनेस फील हो रहा है इसका अनबॉक्सिंग करने में। और फ्रेंड्स इसके माइक पे आज दो टेस्ट होगा। एक होगा वॉइस चैट की, अगर आप किसी को वॉइस चैट भेजोगे तो कैसा परफॉर्मेंस आपको ये प्रोवाइड करेगा। और दूसरा होगा कॉलिंग पे की, जब आप किसी से कॉल पे बात करोगे तब कैसा परफॉर्मेंस आपको ये प्रोवाइड करेगा। और इसमें आपको वाटर रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है जिसपे हम लोग थोड़ी देर में टेस्ट करेंगे। और 5.0 ब्लूटूथ आपको इसमें देखने को मिल रहा है। और एक और बात कि अगर आपके पास मीवी का एक और स्पीकर्स हो तो आप दोनों मीवी के स्पीकर्स को एक साथ कंबाइन कर सकते हो। और वैसे इसका आउटपुट RMS है 5 वोल्ट, और अगर आप एक और स्पीकर्स के साथ इसे कनेक्ट कर दोगे तो इसका टोटल आउटपुट हो जाएगा 10 वोल्ट। और वो भी मैं करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मेरे पास एक और मीवी का स्पीकर्स है और ये है मीवी रोम 2, और इसका भी होगा अनबॉक्सिंग दूसरे वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर आज के रिव्यू के बाद अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आए तो इसका अमेजोन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से इसे परचेज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, जल्दी से प्लास्टिक के पर्दे को हटा के देखते हैं कि बॉक्स का डिजाइन कैसा है और बॉक्स के ऊपर आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर आपको मीवी का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और इसके थोड़े ही नीचे इन्होंने प्ले को हाईलाइट कर रखा है जो कि इसका मॉडल नेम है, और कुछ स्पेसिफिकेशंस को इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। जैसे 5 वॉट आउटपुट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, RMS पावरफुल बेस आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, और सबसे बड़ी बात मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है ये। पुश द लिमिट टैगलाइन को इन्होंने साइड में हाईलाइट कर रखा है, और इसके दूसरे साइड आपको इंजीनियर एंड मेड इन इंडिया का टैग देखने को मिल जाएगा। और इसके पीछे के साइड इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिल रहा है, जैसे हाई डेफिनेशन साउंड, सुपर सॉलिड बेस आपको इसमें सुनने को मिलेगा, ब्लूटूथ है 5.0, स्प्लैश प्रूफ भी है ये जिसपे हम लोग थोड़ी देर में टेस्ट करेंगे। ड्यूल पेयरिंग स्पीकर्स आपको इसमें देखने को मिल रहा है जिसके हेल्प से आप दो मीवी के स्पीकर्स को एक साथ कंबाइन करके उसके पावर को इंक्रीज कर सकते हो। और प्रीमियम बिल्ड आपको इसमें देखने को मिल रहा है, और प्राउडली मेड इन इंडिया इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे। और इसके थोड़े ही नीचे आपको 1 ईयर का वारंटी देखने को मिल जाएगा इसमें, और थोड़े नीचे इन्होंने अपने ऑफिस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखा है, जैसे इन लोग का एड्रेस, कस्टमर केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस। और आप इसका प्रिंटेड प्राइस देख सकते हो 1990 रुपीज, लेकिन आपको ये प्रोडक्ट अमेजोन पे मिल जाएगा अप्रोक्स 800 या फिर 1000 के आसपास। सो फ्रेंड, जल्दी से इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं बॉक्स के अंदर हम लोग को और क्या क्या कंटेंट देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो एक माइक्रो USB चार्जिंग केबल आपको इसके साथ देखने को मिल रहा है, और एक छोटा सा ऑक्स केबल भी आपको इसके साथ देखने को मिल जाएगा एवरेज क्वालिटी का। और 1 ईयर का वारंटी कार्ड आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, और इसी कार्ड में इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कि कैसे आपको वारंटी रजिस्टर करना है। वेलकम टू क्रू, इस पेपर के हेल्प से मीवी आपको वेलकम कर रहा है मीवी का प्रोडक्ट खरीदने के लिए। और एक यूजर मैनुअल आपको इसके साथ देखने को मिल रहा है जिसमे इसे यूज करने के सारे पैथरे लिख रखे हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी नजर डाल लेते हैं स्पीकर्स के ऊपर। सो मैंने व्हाइट वाला ऑर्डर किया, और ये आपको काफी सारे कलर्स में अवेलेबल मिल जाएगा, जैसे कि ब्लैक, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट। और आप देख सकते हो इसके नीचे ही आपको एक नोटिफिकेशन LED लाइट देखने को मिल रहा है, और इसके साइड में जो आप छोटा सा होल देख रहे हो वो है इसके माइक का। कुछ खास प्रीमियम सा लुक आपको ये स्पीकर्स प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है इसका, बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन लुक्स उतना कुछ खास इम्प्रेसिव नहीं लगा मुझे। और इसके ऊपर आपको एक प्लास्टिक की सा ही डिजाइन देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आपको एक प्ले एंड पावर बटन देखने को मिल रहा है। ज्यादातर इसे ऑपरेट करने का फंक्शन इन्हीं दो बटन से होता है। और इसके नीचे आपको एक रबड़ का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जिस वजह से अगर आप इसे टेबल पे रखोगे तो नीचे स्क्रैच भी नहीं होगा और ये फिसलेगा भी नहीं, एक जगह स्टेबल रहेगा। और प्लस माइनस का बटन आप यहाँ पे देख सकते हो, और अगर आप इन्हें प्रेस करके होल्ड करके रखोगे तो आप प्लस बटन से नेक्स्ट ट्रैक पे चले जाओगे और माइनस बटन से प्रीवियस ट्रैक पे वापिस आ जाओगे। माइक्रो USB का चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल रहा है, और एक ऑक्स केबल का इनपुट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको इसका फंक्शन बता दूं, प्ले बटन से ही आप प्ले या पॉज कर सकते हो सॉन्ग को, कॉल पिक करने के लिए भी आपको इसी बटन का उपयोग करना है, और 1 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करने पर आप कॉल रिजेक्ट कर सकते हो, और अगर आप इसे 2 बार प्रेस करोगे तो लास्ट डायल नंबर पे कॉल चला जाएगा, और इसी बटन को 2 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करने पर गूगल असिस्ट ऑन हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप इसका वेट देख सकते हो अप्रोक्स 168 ग्राम, जो कि काफी ज्यादा लाइट वेट ही है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं बोल सकते इसे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इसका साउंड क्लैरिटी सुनाना चाहूंगा, उसके बाद करेंगे हम लोग इस पे वाटर टेस्ट। एग्जैक्ट साउंड का तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बेस कैसा है, छनकार कैसा है इसका। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मीवी दोनों ही मेरे फोन के साथ कनेक्ट है, और अभी मीवी प्ले से सॉन्ग प्ले करके मैं आपको सुनाऊंगा कि इसका साउंड परफॉर्मेंस कैसा है। तो
तो फ्रेंड्स इन दोनों को पेयरअप करने के लिए आपको पहले इन दोनों को ऑन करना पड़ेगा। पर याद रखो कि आपको अपने फोन का ब्लूटूथ ऑफ रखना है, उससे क्या होगा ना ये आपके फोन के साथ पेयरअप हो जाएगा। सो अगर फोन का ब्लूटूथ बंद रहेगा तो ये एक दूसरे के साथ पहले पेयरअप होके कनेक्ट हो जाएंगे। सो चले इनको ऑन करते हैं। How are on? Bluetooth mode. How are on? Bluetooth mode. Paired. So friends, आपने सुना कि ये दोनों पेयर हो चुके हैं। रोम टू मेरे फोन के साथ कनेक्ट है, उसके बाद जब मैं सॉन्ग प्ले करूंगा तो इससे भी प्ले होगा। ये है मीवी प्ले और ये है रोम टू। इतने ज्यादा हाई वॉल्यूम में आपको पता नहीं चलेगा इसलिए मैंने वॉल्यूम कम कर लिया। अभी आप सुनो। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मीवी प्ले मेरे फोन के साथ हो चुका है कनेक्ट और अभी हम लोग इस पे करेंगे वाटर टेस्ट। आप सुन सकते हो। सो फ्रेंड जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये पूरी तरह से वाटर प्रूफ है, आप इसका इस्तेमाल लेकिन बीच बीच में मेरा ये जो हाथ है इस यहाँ पे कनेक्ट हो जा रहा है, टच हो जा रहा है, इसीलिए ये ऐसी बड़े बड़े प्ले हो रहा है। सो फ्रेंड्स ये पूरी तरह से वाटर प्रूफ है, आप इसका इस्तेमाल बिंदास स्विमिंग पूल में कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मीवी प्ले मेरे फोन के साथ कनेक्टेड है और मैंने अभी अपनी माँ को फोन लगा रखा है और अभी रिकॉर्डिंग इसी से ही रिकॉर्डिंग हो रहा है। उसके बाद जब मैं आपको एक फुटेज सुनाऊंगा तो आपको पता चल पाएगा कि कैसा परफॉर्मेंस इसका प्रोवाइड कर रहा है। वैसे मैं इसी से ही बात कर रहा हूँ, अभी इसका माइक मेरे मुंह के पास में है और अगर मैं दूर ले जाऊंगा तब आप सुन सकते हो कि कैसे कितना पकड़ रहा है। अगर ये आपके टेबल पर रहेगा तो फिर कैसे आप इससे कैसा बात कर सकते हो और कैसा आवाज आपका ये पकड़ेगा। वैसे मेरे आगे अभी दो फैन ऑन है, एक है टेबल दूसरा है सीलिंग। सो अभी मैं टेबल फैन ऑफ कर देता हूँ, मैंने टेबल फैन ऑफ कर दिया। अभी आप सुनो कि कैसा साउंड परफॉर्मेंस आपके प्रोवाइड कर रहा है। और मेरे इस साइड सीलिंग है और अभी मैं इस साइड से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि सीलिंग फैन बहुत ही ज्यादा नीचे है। तो अभी आप सुन सकते हो कि कैसा परफॉर्मेंस इसका माइक आपको प्रोवाइड कर रहा है और कॉलिंग के लिए कैसा है ये। तो फ्रेंड्स मेरे फोन का रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है और अभी आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो मीवी प्ले कनेक्ट है मेरे फोन के साथ और अभी जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ये मीवी प्ले से ही रिकॉर्डिंग हो रहा है। और आपको पता लग पा रहा है कि अभी कैसा परफॉर्मेंस आपको और अभी आपको पता लग पा रहा है कि इसका माइक कैसा परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है। और अगर इसके माइक के बारे में बात करें तो इसका माइक आपको यही इसके LED नोटिफिकेशन के बगल में ही देखने को मिल जाएगा। और मेरे आगे अभी दो फैन ऑन है, सो मैं टेबल फैन को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि ऐसे मुँह के पास टेबल फैन रख के तो कोई भी बात नहीं करता है। सो फ्रेंड्स अभी आप सुनो कि कैसा परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है और जब आप किसी को वॉइस चैट भेजोगे तो एकदम वैसा ही सामने वाले को सुनाई देगा, इतना ही नॉइस खींचेगा। और आगे मेरे सीलिंग फैन ऑन है। सो फ्रेंड्स आपने इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू तो देखा है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो इसका परफॉर्मेंस अमेजिंग है, बहुत ही ज्यादा सही परफॉर्मेंस है। बेस काफी ज्यादा कमाल का है लेकिन वो जो बूम पंची बेस जो डीजे का बेस होता है ना उस टाइप का बेस आपको इसमें सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसका जो वोकल्स है वोकल्स बहुत ज्यादा क्लियर है, एकदम क्या बताऊं मैं HD टाइप का वोकल्स आपको इसमें सुनने को मिल रहा है। और छनकार भी बहुत सही है, मतलब ये उन लोग के लिए है क्योंकि बहुत ज्यादा म्यूजिक तो नहीं सुनते लेकिन कॉलिंग और मूवीज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उन लोग के लिए बेस्ट है ये। जो सॉन्ग का लिरिक्स है लिरिक्स आपको क्लियर समझ में आएगा। और अगर इससे कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो कनेक्टिविटी भी काफी सही है, 10 मीटर्स के रेंज में मुझे कनेक्टिविटी ब्रेक नहीं होता हुआ दिखाई दिया। अगर बीच में दीवार भी आ जाता है तब भी, और अगर मैं एक रूम से दूसरे रूम भी इसको कनेक्ट करता हूं, तो कनेक्टिविटी मेरा ब्रेक नहीं हो रहा है। सो फ्रेंड्स ये काफी ज्यादा सही लगा मुझे इसमें। और अगर इसके बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो ये मुझे अप्रॉक्स 7 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर रहा है 100% वॉल्यूम में। और इसका लाउडनेस बहुत ही ज्यादा है, आप फुल 100% जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और अगर शेयर करने लायक हो तो शेयर भी कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू।